हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से देख लिया होगा, जो कि था ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम। नियरली सेम ही है, इसके अंदर भी हम एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करने वाले हैं, एक डिस्काउंटेड रेट पे शेयर ऑफर करेंगे। बस थोड़ा सा अलग क्या वाला पार्ट है, इसके अंदर ना अपन उनसे कोई कैश कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, हम उन्हें थोड़ा सा जो पगार देते ना वो पगार में से थोड़ी सी अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे और रिमेनिंग पगार उनके हाथ में देंगे। मैंने से एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉयज़ की 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये उसकी पगार है, एक मंथ की पगार मिलती है उसको, और हमने सामने वाले को बोल के रखे भाई कि अगर भैया तू 5 साल तक हमारी कंपनी के अंदर रहेगा तो हम तुझे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हम तुझे शेयर्स ऑफर करेंगे। वो टाइम पे तुझे कोई हमें पैसा वैसा नहीं देने का है, हम क्या करेंगे तेरी जो पगार में से ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा थोड़ा पैसा काटते रहेंगे। सर फिर इसमें क्या है, मतलब फर्क क्या है? पैसे तो आप ले ही रहे। हाँ मैं मान रहा, पैसे ले रहे, बस आगे नहीं लेंगे, आज से अपन थोड़ा थोड़ा काट रहे, लेकिन अपन ना सिर्फ फेस वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं पैसा काटते, मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू पे उसको शेयर्स ऑफर करते। व्हाई? बिकॉज हम चाहते कि वो कि पर्टिकुलर बंदा हमारी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड रहे। अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव, जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हम जो शेयर्स ऑफर कर रहे हैं उसके पीछे अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमको एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी के अंदर अटका के रखने का है। अब वो अटका के रखने के अलग अलग तरीके हैं, और दूसरी बात सिर्फ अटका के ही नहीं रखने का, उसको इस तरीके से प्रेरित करने का, इस तरीके से मोटिवेट करने का जिस तरीके से उसको आगे नियर फ्यूचर के अंदर ज़्यादा फायदा हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं एक बार का तबल से एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोजिंगली आज तक कंपनी को लग रहा है कि हमारी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू आज के 5 साल के अंदर 500 रुपये की रहेंगी, 500 रुपीज़, ठीक है, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 500 रुपये की रहेंगी। अब अगर एम्प्लॉय ने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया तो वो 500 रुपये की वैल्यू 600, 700, 800 भी हो सकती है। इस वजह से एम्प्लॉयज को ना इस इनडायरेक्टली तरीके से मोटिवेट करते कि देखो हम आपको शेयर्स ऑफर करने वाले हैं, वो तो 450 में ऑफर करने वाले हैं। अब वो उसकी मार्केट प्राइस ओवर टाइम पे शायद हमको लग रही है 500, 550 के आसपास रहेंगी। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे मार्केट प्राइस के अंदर इंक्रीज भी हुए, मतलब हमारी कंपनी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। ज़्यादा शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो 450 में मिल रहा, आप वो टाइम पे 700 रुपये में आपका शेयर्स को बेच पाओगे। मतलब अल्टीमेटली ना अपन सामने वाले को बहका रहे किस तरीके से, कि आप हमारी कंपनी के अंदर मतलब रिटेन रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, बिकॉज आप जितने अच्छे तरीके से मेहनत करोगे कंपनी का शेयर प्राइस उतना हाई होगा, और कंपनी का शेयर प्राइस जितना हाई होगा उससे ही आपका प्रॉफिट डिटरमाइन होगा। गॉट गॉट और नॉट गॉट? यस सर, समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट है आज का, अपन जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ESPS क्या के ऊपर है, सॉरी आज का जो टॉपिक देखने वाले अपन वो है, हाँ, ESPS के ऊपर, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। बहुत सिंपल सी मेथड है, इसके अंदर कंपनी सेक्टर ने ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं बताए हुए, बहुत छोटे मोटे ही रूल बताए हुए हैं। पहला पॉइंट ज्यादा ESPS क्या है, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ऑब्वियसली बात है, हर इक्विटी शेयर जो अपन ऑफर करते हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस की ऑफर करते हैं, विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट, जो कि वो फ्यूचर डेट में बाय कर सकते हैं। ओके, अंडर द स्कीम एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट। फ्यूचर में वो बाय कर सकते हैं लेकिन उनको प्राइस कम देनी पड़ेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस देंगे। मतलब अपन आज कुछ भी नहीं ऑफर करते, सर आज क्यों नहीं ऑफर कर डालते, आज के आज फटाफट सामने वाले को दे दो ना, एग्रीमेंट करवा लो। नहीं नहीं नहीं, चांसेस क्या है आगे जाके अगर वो मर गया तो, हाँ मतलब मर गया या कंपनी को छोड़ के चले गया या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो गई जो उसके हाथ में भी नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है। इस वजह से कंपनी वाले जानबूझ के क्या ट्राई करते, क्या कोशिश करते कि उसने हमारे पास में रिटर्न रहना, काम करते करते ही रहना, और आखिर में 4-5 साल के बाद में अगर रहे भाई तो हम उसको शेयर देने के लिए रेडी है। पॉइंट समझा क्या? यस, अंडर दिस स्कीम द शेयर्स आर ऑफर्ड, ओए रुके, शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पर उसको बाय कर सकते हैं। द कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड द रीपेमेंट ऑफ टुवर्ड द पेमेंट ऑफ शेयर्स। ये केस के अंदर क्या करते हैं, अपन एम्प्लॉयज की पगार में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट काट लेते हैं और बाकी का अमाउंट सामने वाले को देते हैं। ESOS के अंदर क्या रहता था, एम्प्लॉयज जो इसके पहले वाली स्कीम देखी थी उसके अंदर क्या रहता था, सामने वाले को ना हमें पेमेंट देनी पड़ती थी एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड, उसको प्राइस देनी पड़ती थी, लेकिन कम प्राइस देनी पड़ती थी, लेकिन प्राइस जरूर देनी पड़ती थी। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज को बहुत प्रॉब्लम जाती जब उसका एंड टाइम पे जब अपन पैसे मांगने जाते कि भैया अभी तेको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर ऑफर करने वाले हैं, वो केस के अंदर एम्प्लॉयज के पास में इतने पैसे नहीं रहते, बिकॉज इतने सारे शेयर्स उनको ऑफर करे हुए रहते, परचेस करने के लिए तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइस पे करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता है। ESPS थोड़ी अच्छी स्कीम है, ESPS क्या करती है भाई, उसके पगार में से पहले ही काट लेते हैं, अन हर साल थोड़ा 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 हर महीने थोड़ा 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 काटते रहते हैं, सो दैट सामने वाले को अल्टीमेटली बर्डन ना आए। पॉइंट समझा क्या? यस,
कंपनी में फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन. अब कंपनी ने कौन सी कंपनी से प्रोविजन फुलफिल करने को ना, पहला कंपनी हैव टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन एक्ट 2014, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशन 2014 में. कौन सी वाली रेगुलेशन है? सेबी ना बहुत सारी चीजों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है. तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स की जो रेगुलेशन है जो कि 2014 के अंदर पास करी हुई है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो कंपनी हैव टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी इन ब्रैकेट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट. शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट नाम से समझ जाता है, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है और किसके फॉर्मेट में मिल रहा है, शेयर्स के थ्रू उसको सामने वाले को बेनिफिट मिलने वाला है. कंपनी हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS. ये ना लाइन रट लो रट लो. वाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये ऐसी स्कीम है, मतलब अपन एम्प्लॉयज को अपन मालिक बना रहे, हर बार अपने को शेयर होल्डर्स का तो अप्रूवल लेने का ही लेने का है, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेने का है. ठीक है, तो पहला पहला प्रोविजन आया कि उस कंपनीज एक्ट की, सॉरी सेबी की रेगुलेशन 2014 की एम्प्लॉय सॉरी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 अपने को फॉलो करनी पड़ेगी. सेकंड, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. कंपनी नीड्स टू ऑब्टेन शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. दूसरा पॉइंट भी अच्छा था. अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज. सारे के सारे एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं रहते ना, कुछ एम्प्लॉयज बहुत पुराने से आ रहे. कंपनी क्या करती है, एक टाइम डिसाइड कर लेती है कि भाई हम 2025 के अंदर ना सबको शेयर्स ऑफर करने वाले हैं हमारी कंपनी के. अब कोई एम्प्लॉय होगा वो ताजा ताजा नवा नवा आया हुआ होगा, कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बहुत टाइम से होगा, 20-25 साल हो गए. अब हर एक एम्प्लॉय को सबको 20-20 शेयर देना या डिस्काउंटेड रेट्स पे देना, ये तो ना इंसाफी है ना. जो नवा नवा आया हुआ है उसको भी 20 मिल रहे हैं, जो 20 साल से उसको भी 20 मिल रहे हैं, उसको मतलब फिर वो तो ना इंसाफी होगी. ये तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइप के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी के अंदर वो कितने पुराने हैं, उनका वर्क एथिक कैसा है, कंपनी के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं, इफिशियंट है, उसको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं किसको भी बॉले को अपन कंपनी के अंदर रिटेन करके रख रहे, ऐसा नहीं है. हम सिर्फ वह हुई क्वालिटी के बंदे को रखेंगे कंपनी के अंदर जो कि थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो पर्सन को अपन शेयर्स ऑफर करेंगे. थर्ड, शेयर इशूड अंडर ESPS कुड बी इमीडिएटली शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड. शेयर इशूड अंडर ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड, ये मैंडेटरी कंडीशन है ESPS के अंदर. अब देखो आप ये पॉइंट क्या बोलना चाहता, अपन एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, उसको एक टाइप का लॉलीपॉप दे रहे कि भाई तू आज तक हमारे साथ में, 5 साल तक हमारे साथ में रहे, 5 साल के बाद में तेरे को हम डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स ऑफर करने वाले हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्राइस हम तेरे से आते ही काट लेंगे. अगर ये मार्केट प्राइस, मार्केट में अगर शेयर लिस्ट होंगे तभी जाके वो एम्प्लॉयज का फायदा है, बिकॉज मार्केट के अंदर फटक से बाइंग और सेलिंग होंगी तो प्राइस शेयर्स की इंक्रीज होते जाएंगे. पॉइंट समझा क्या, मतलब ये स्कीम्स का अल्टीमेटली लॉजिक ये है कि वो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस इंक्रीज होने को ना, सो दैट एम्प्लॉयज का भी फायदा होने को ना, हाँ कि ना. यस, तो ESPS के थ्रू एम्प्लॉयज ESPS के थ्रू कंपल्सरीली कंपनी की कंडीशन है कि उसको शेयर्स को लिफ्ट करवाना पड़ेगा. ESPS शेयर्स विल हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर लॉक इन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ द ESPS इज नॉट एन पार्ट ऑफ पब्लिक इशू. इन्होंने क्या बोले भाई कि अगर दो केस रहते हैं, अगर आप ESPS के थ्रू मतलब एम्प्लॉयज को भी शेयर्स ऑफर कर रहे हो और आम जनता को भी अगर शेयर्स ऑफर कर रहे हो, तो अगर आप आम जनता को शेयर्स ऑफर कर रहे ना तो उसके ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने का है. एम्प्लॉयज के पास में जैसे ही शेयर आए वो इमीडिएटली उसको बेच सकता है अगर ESPS के साथ में पब्लिक इशू नहीं है तो. लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर सपोजिंगली ESPS के अंदर आप पब्लिक को भी ऑफर कर रहे हो तो पब्लिक तो एक दूसरे को बेचेंगे, तो एम्प्लॉयज के ऊपर भी आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो डायरेक्टली भी उनको भी ऑफर कर देना कि आप वो किसी और को पर्सन को बेच सकते हैं. यहाँ पे होता है हमारे सारे के सारे सेबी से रिलेटेड, सॉरी ESPS के साथ जो प्रोविजंस थी, कंपनी से जो बताता था प्रोविजन बताता था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया. हम वापस एक बार का रिकॉल करते हैं, अपने ESPS के अंदर देखा गया था, ESPS के अंदर एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट इन विच जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट डिडक्ट करते हैं हर महीने, ठीक है. इसके लिए फिर कंपनी से की प्रोविजंस क्या आती थी, हर कंपनी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रेगुलेशन 2014 एम्प्लॉयज बेनिफिट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ये वाली रेगुलेशन 2014 वाली फॉलो करनी पड़ेगी आपको. ये पहले एक कंडीशन डाल के रखी थी उन्होंने. सेकंड कंडीशन थी कि आपको शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा. इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर सकते हैं. ESPS के अगर आप शेयर इशू कर रहे तो उसको आपको इमीडिएटली लिफ्ट करवाना कंपलसरी है, और इसके अंदर आपको लॉक इन पीरियड 1 साल का तो देना ही देना पड़ेगा. मतलब सॉरी, अगर वो पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है तो, अगर पब्लिक इशू का पार्ट है तो उसके ऊपर कोई एम्प्लॉयज के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो पब्लिक इशू का पार्ट है तो उसको आपको मतलब लिफ्टिंग कर मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना पड़ेगा. पॉइंट समझा क्या. यस, यहाँ पे होता है हमारा क्या खत्म, ESPS कंप्लीट हो जाता है.
हमने दो देख लिया, ESPS, ESOS, ये दोनों स्कीम्स हो गई। अब जो थर्ड वाला टॉपिक आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। अब देखो, हमने जो प्रीवियस दो स्कीम्स उठाई हुई है ना, हमने जो प्रीवियस दो स्कीम्स लिए ना, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हम एम्प्लॉयज को ना हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बना रहे थे। क्या बना रहे, हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बना रहे। अब कभी कभी क्या हो जाता है, हम मल्टीपल टाइम्स एम्प्लॉयज को हमारे शेयर्स ऑफर करते जा रहे, ऑफर करते जा रहे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स भी अफेक्ट हो रही। मतलब जो पर्सन कंपनी का प्रमोटर था, उसका प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग कम कम होती जा रही, जो कि जनरली शेयर होल्डर्स को अलाउड नहीं रहता। वो जानबूझ के नाटक करते, परमिशन ही नहीं देते, स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर मतलब मदद ही नहीं करते पास करने में, रिजोल्यूशन पास करने में। एंड जब तक स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास होगा, तब तक हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को, सॉरी क्या बोलते हैं इसको अपन, एम्प्लॉयज को हम शेयर ऑफर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये एक स्टॉक अप्रिसिएशन राइट बोल के एक स्कीम चालू हुई हुई है। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट बहुत प्यारी स्कीम है, एक अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव कंपनीज का थोड़ा सा अलग है। ये पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर ना कंपनी क्या चाहती है कि हम उसको शेयर्स ऑफर ना करें, इंस्टेड हम उसे कुछ ना कुछ अधिकार दें। अधिकार किसके बारे में होने वाला है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आया कहाँ से, व्हाई कंपनी स्टार्टेड डूइंग दिस, और अल्टीमेटली एम्प्लॉयज को जब हम शेयर्स नहीं ऑफर करें तो उसके बदले में हम क्या ऑफर करने वाले हैं, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयज से अपन क्या उसके बदले में कुछ लेंगे, क्या कितने सालों के बाद में एम्प्लॉयज को अपन सामने वाले से देंगे, क्या एम्प्लॉयज वो पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, बहुत बेस्ट है। मतलब आज की तारीख के अंदर मोस्टली कंपनीज ना ही ESPS करती है, ना ही ESOS करती है, मोस्टली कंपनी आज की तारीख में स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स देती है बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम ये पूरा का पूरा स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, जिसको प्यार से SARS भी बोला जाता है, SARS, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। एक्चुअली SARS ये टर्म ना थोड़ा सा नेगेटिव है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर जैसा भी COVID-19 आया हुआ है ना, अभी 2019 के अंदर कोरोना वायरस, ये 2003-2004 के अंदर भी ना SARS वायरस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था चाइना के अंदर। मतलब चाइना के अंदर ना उनका रोजमर्रा की जिंदगी है, उनके यहाँ पे वायरस मतलब ये बर्स्टिंग होती रहते, नए नए टाइप के वायरस आती रहते वहाँ पे, क्योंकि वो एनिमल्स को लाइव खाते, तो वो बॉडी के अंदर जाके जब उसको पकाते नहीं तो वो वायरसेस अंदर जाके, ऑर्गेनिज्म अंदर जाके कुछ ना कुछ हैवॉक क्रिएट करता। तो वहाँ पे वो टाइम पे SARS ने इतनी मौतें ली थी, बहुत डेंजर था। तो ये एक्चुअली ये SARS तो अपन क्या शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर SARS को वायरस के नाम से पहचाना जाता है। चलिए यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।